स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12th क्लास के लिए VVI लॉन्ग क्वेश्चन का स्टडी कर रहे हैं और आज हम लोग इस क्लास में 3D से इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो अब तक हमने सभी चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन करा दिया, चैप्टर वाइज जो भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम में आ सकता है सब कुछ हमने कराया है। अब जाकर प्ले लिस्ट में होता है ना, प्ले लिस्ट यूट्यूब में, तो जाकर देखिएगा उसमें। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले सर्च करने ऊपर आर के सिंह मोतिहारी मेरा चैनल आ जाएगा। उसके बाद उसमें जाकर देखिएगा प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट में देखिएगा लॉन्ग क्वेश्चन का वहाँ पे सीरीज होगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में ऑब्जेक्टिव सीरीज का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और 2 मार्क क्वेश्चन का लिंक दे दिए हैं। आप सब लोग जाके बढ़िया से हर चीज़ क्लियर कर सकते हो और समझ सकते हो बात को। तो चलिए 3D में कौन सा सवाल है उसको देखते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, फाइंड द SD मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी है ना, बिटवीन द लाइन्स। कौन कौन लाइन है देखिए, यहाँ पे वेक्टर R इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप है ना, प्लस लेमडा आई माइनस 2j प्लस 2k। अच्छा, वेक्टर R इज इक्वल टू माइनस 4i कैप माइनस के कैप प्लस म्यू और 3i कैप, उसके बाद माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। अब सुनिए, ये लाइन हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, ये दो लाइन दे दिया यहाँ पे, ठीक है ना। दोनों लाइन के बीच का न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, इसको आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसके लिए हम टेक्निक बता रहे हैं और फिर इस टाइप के जो कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन है उसका भी कैसे निकालेंगे उसको समझेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले देखिए, एक फार्मूला आपको याद रखने है, उस फार्मूला को देखिए बताते हैं हम, ठीक है। देखिए SD का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर याद रखिएगा, SD बराबर देखिए क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर होता क्या है, देखिए A2 लिख दीजिएगा यहाँ पे, माइनस A1 है ना, उसके बाद डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन क्या हो जाएगा, हो जाएगा ये हो जाएगा, क्लियर। तो ये एक बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब ये फार्मूला होता है और ये फार्मूला के बेस पर हम लोग क्या करने वाले हैं, फार्मूला के बेस पर हम लोग यहां पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करने वाले हैं। देखिए सोल्यूशन कैसे निकलेगा, इससे क्या होगा, लिखेंगे यहाँ पे A1 कितना है, बेटर A1 बताइए कितना है, 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अच्छा सुनिए, A2 कितना है, इसको ऐसे लिखिए माइनस 4i कैप, j तो है नहीं, लिखेंगे प्लस 0j कैप माइनस k कैप, फायदा होगा आपको। सुनिए B1 कितना है, i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। B2 कितना हो जाएगा, क्योंकि लाइन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, R इक्वल टू A प्लस लेमडा B, ऐसा ही ना होता है। तो B2 क्या हो जाएगा, 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप है ना, ऐसे हो जाएगा। इसलिए A2 माइनस A1 क्या होगा, इसमें से ये घटाएंगे तो -4 घटाएंगे, देखिए क्या होगा, -4 -6 -10i कैप, 0 -2 -2j कैप और माइनस क्या हो जाएगा 3k कैप। इतना मिल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ में आ गया। अब लिखेंगे नाउ, देखिए फार्मूला आपके पास है ना, उसी पे काम कर रहे हैं। अब A2 माइनस A1 निकाल लिया, B1 क्रॉस B2 निकालेंगे अब, तो B1
क्रॉस बी टू। पांच नंबर में क्वेश्चन आता है बुआ, ये इसको बढ़िया से समझ जाइएगा और बताएंगे कौन कौन क्वेश्चन किताब में भी देख लेना है, इसलिए हड़ाइए नहीं, लास्ट में गेस तो कर ही रहे हमेशा। चलिए तो आई कैप जे कैप, एक बच्चा कमेंट किया था कि सर क्या क्या बता रहे हैं, बहुत आलतू फालतू क्वेश्चन बता रहे हैं, तो उसके अनुसार उनके अनुसार वो क्वेश्चन बताएं जो उनको समझ में आए बस, क्योंकि वो तो पढ़े साल भर है नहीं, अगर पढ़े रहते तो ऐसा बात नहीं करते, तो पढ़े होंगे नहीं साल भर, साल भर नांगी डांस किए होंगे, ऑर्केस्ट्रा देखे होंगे, है ना, ताश खेले होंगे, जुआ खेले होंगे, सट्टेबाजी किए होंगे, गुस्सा नहीं रहे बट कह रहे हैं, ड्रीम इलेवन लगाए होंगे, अब 10 दिन लगा है तो पढ़ने चले हैं, तो ऐसे बच्चों से माफ़ी चाहेंगे हम, आलतू फालतू कमेंट ना किया कीजिए, ठीक है ना। अगर नहीं पढ़ना है जाके अपने दूसरे टीचर के पास जाकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए तो 1, 2, 2, 3, -2, -2, क्लियर। ऐसे देखिए तो ये आप लिख देंगे आप, उसके बाद इसको इवैल्यूएट करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा मेहनत हम लोग करते हैं, हम पर्सनली इतना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, दिन भर वीडियो शूट करना, उसको कंटेंट बनाना, फिर उसको अपलोड करना, बढ़िया से आप लोगों के पास भेजना, और फिर आप निगेटिव प्रचार दोगे तो आपको कौन पढ़ाएगा, बढ़िया से नहीं पढ़ाने का मन करेगा। आप रिस्पेक्ट करना सीखो टीचर का, किसी का भी। यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगा ये बोलिए, डिलीट कर देंगे, डिलीट कर देंगे, दुदना 4 -4 ये हो जाएगा ना, -4 और फिर क्या हो जाएगा, देखिए +4 होगा सॉरी, और उसके बाद क्या होगा +4, फिर आएगा क्या लिखेंगे जे माइनस में, डिलीट और डिलीट -2 और कितना होगा -6, ऐसा ही ना होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर बना लीजिए, डिलीट हो गया, डिलीट हो गया, -2 होगा, -2 × और -2 और कितना 3 × 6, अब बात यह है कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, देख लेना है बस अच्छा से आपको। चलिए और फिर क्या होगा, अब आ जाइए केक के बारे में, केक के बारे में क्या जानेंगे, प्लस के डिलीट और डिलीट -2 और 3 × 6 +6, अब इसको हम लोग एक लाइन में कर देंगे तो हो जाएगा 8i + 6 2 8j और +4k, इतना बात आपको समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे आइए, इसलिए क्या निकालेंगे हम लोग, B1 × B2 का मोड निकाल लीजिए, कितना होगा 64 + 64 + 16 144 हो जाएगा क्या, देखिए तो कितना होगा 128 + 16 144 से कितना होगा, हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज़ निकाल लीजिए, एंड A2 - A1 .B1 × B2 बराबर कितना होगा। चलिए तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे ना, इसके साथ इसका गुना करेंगे, है कि नहीं, डॉट करेंगे तो -80 - 16 - 12 - 80 - 16 - 12 टोटल कितना हो जाएगा, हो जाएगा -108, क्लियर। अब चलिए इसलिए SD बराबर क्या होगा, फार्मूला आपके सामने यहाँ पे है कि नहीं, तो क्या लिखेंगे, जो ऊपर वाला कितना आया है, देखिए कितना आया है -108 का मॉड / इसका कितना आया है 12 आया है, तो 12 आया है तो 108 का मॉड 108 होगा, 108 कट जाएगा 9 बार में 12 से, तो क्या होगा 9 यूनिट्स होगा, 9 यूनिट्स क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सुनिए, हड़ाने की बात नहीं है आपको, मैंने मतलब कि इसके बेस पर कहाँ क्वेश्चन मिलेगा बता रहे हैं, NCERT का तो बुक होगा, NCERT का बुक तो रखे होंगे आप, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो NCERT का जो बुक होगा ना उसमें जाके देखिएगा तो कौन सा एक्सरसाइज 11.2 में है ना, 14, 15, 16 तीन क्वेश्चन देखने हैं आप, नहीं दिख रहा है बता दे रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन 14, 15,
16 नंबर क्वेश्चन देखने हैं आपको। अब रुकिए, अब बात है कि सर ये तो वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो आप बता दिए कार्टेशियन फॉर्म में रहता है क्या करते हैं हम, कार्टेशियन फॉर्म में रहता है तो क्या करते हैं हम, उस पर थोड़ा काम करते हैं। जो क्वेश्चन बता रहे हैं हम वीवीआई क्वेश्चन आपके लिए है, कोई हम एग्जाम में क्वेश्चन सेलेक्टर नहीं ना है, इतने दिन का अनुभव है, 10 साल हो गया अब तक हमको क्लास कराते हुए, तो इतना दिन का अनुभव है कि जहाँ से क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन बैंक से मिलाएंगे, तो क्वेश्चन बैंक में फिर जब वही चीज़ हम बना देंगे यहाँ पे, तो फिर क्या हम क्या गेस कर रहे हैं, हम क्या पढ़ा रहे हैं, उत्तर सोल्यूशन क्या हुआ है। इतना इडियट ना बनिए आप लोग, इतना अच्छा बात है कि आपके लिए हर टीचर मेहनत, जो टीचर मेहनत कर रहे हैं उनको रिस्पेक्ट दीजिए, वो पढ़ाई करें आप और आगे बढ़िए, किसी का आशीर्वाद प्राप्त करना सीखिए। अब यहाँ पे देखिए, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एस लिखे यहाँ पे, एस डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। अब देखिए यहाँ जो लाइंस है ना वो कार्टेशियन फॉर्म में है, इसको हम बनाने नहीं जा रहे हैं, आपको बस टेक्निक सिखा रहे हैं कि कैसे बनाना है। कार्टेशियन फॉर्मूला अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो काफ़ी हार्ड हो जाएगा भाई, बहुत हार्ड हो जाएगा, ठीक है ना। कार्टेशियन फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, कुछ बातों को समझिए। एक्चुअली लाइन जो होता है, तो यहाँ पे देखिए कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, सीएफ में क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म में कुछ ऐसा कंडीशन होता है, एक्स माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी। तो कार्टेशियन फॉर्म की कहानी कुछ ऐसी है, ठीक है। और देखिए इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में वीएफ में कैसे बदलते हैं, देखिए लिखते हैं हम लोग क्या है यहाँ पे, वीएफ जो होता है क्या होता है, देखिए तो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। अब देखिए यहाँ से ए कैसे निकला, तो जो x में से घट रहा है उससे लेंगे, तो बीच में माइनस का साइन होना चाहिए, याद रखिए। तो क्या होगा, एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, ए का माने ए का मान हो गया, और b क्या होता है नीचे वाला डिजिट यूज, तो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं। तो इस तरह से वेक्टर से हम लोग क्या करते हैं, कार्टेशियन से वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, और कार्टेशियन में वेक्टर में दिया रहे तो कार्टेशियन में ऐसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास ये डाटा है, इस प्रकार का डाटा रहेगा, तो उसको हम लोग इसमें कन्वर्ट कैसे करेंगे ये सीखना था हमको, ठीक है। अब सवाल यहीं पे है, सवाल यहीं पे है, आप समझिए यहाँ पे सॉल्यूशन करने का तरीका समझिए। लिखेंगे यहाँ पे लेट वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब कि ए वन इक्वल टू क्या होगा, या देखिए पहले यहाँ पे ठीक है, ए वन इक्वल टू क्या होगा, तो इसमें से जो पॉइंट निकलेगा वही लिखेंगे, तो 8 आई कैप, यहाँ प्लस है तो माइनस 9 लिखेंगे, माइनस 9 जे कैप, यहाँ क्या है माइनस है ठीक है, तो प्लस 10 जे के कैप, ये हो गया। ए टू देखिए, ए टू कहाँ से आएगा, इसमें से आएगा, 15 आई कैप, माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है, 29 क्या हो जाएगा जे कैप, और फिर क्या होगा 5 के कैप। चलिए तो आप निकाल लीजिएगा a2 टू माइनस ए वन निकाल लेंगे यहाँ पे, आप लोग खुद ये काम खुद करना है आपको, निकाल लेंगे यहाँ पे। अच्छा एंड b1 क्या है बताइए जरा, नीचे वाले से 3i आई कैप माइनस 16 जे कैप प्लस 7 के कैप। अच्छा सुनिए एंड b2 कितना हो जाएगा बोलिए, तो 3 इससे ले लेंगे हम लोग, 3i आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 5 के कैप। देखिए b1 b2 निकल गया, अब लिखेंगे नाउ B1 क्रॉस B2 निकाल लेंगे हम लोग, B1 क्रॉस B2 निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा I कैप J कैप K कैप लिख देंगे, 3 माइनस 16 उसके बाद 7 3 8 और माइनस 5, इसका वैल्यूएट कर लेंगे। इसके बाद अगला कहानी क्या है, इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा बताइए, अगला स्टेप क्या होगा यहाँ से देख लीजिए, एंड A2 माइनस A1, चलिए अभी नहीं एक सेकंड सुनिए, तो अब तो ये निकल जाएगा, ये अब ये तो निकल जाएगा ना, ये आपका निकल जाएगा क्लियर। तो आप बोलिए क्या करेंगे, हम समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे इसका मॉड निकाल लेंगे, इसलिए b1 क्रॉस b2 का मॉड निकाल लेंगे, मॉड निकालना आप जानते हैं। अब इतना सारा डाटा देखिए, डाटा कहाँ कहाँ निकलेगा, क्या क्या आपको निकालने हैं, ये चीज़ क्या होगा ये निकालने हैं क्लियर। यहाँ पे हमने छोड़ा है जो आपको सिखा दिया है पिछले क्वेश्चन में, फिर देखिए फिर यहाँ पे क्या हो गया निकालने हैं क्लियर, और एक और चीज़ निकालने हैं यहाँ पे, लिखेंगे एंड एंड ए टू माइनस ए वन डॉट
बी वन क्रॉस बी टू ये निकालने हैं, ये भी आपको यहाँ पे निकालने हैं। और लास्ट में क्या है, लास्ट में आपको बस करना क्या यहाँ पे, देयर फोर एस डी बराबर क्या होगा, और आप हमें पूरा सोल्व करके बढ़िया से आराम से, क्लास ओवर हो गया चाहे वीडियो बंद हो जाएगा, वीडियो बंद करके सोल्व करके आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे यहाँ पे कि एस डी का वैल्यू कितना हो रहा है, ठीक है ना। तो आप पूरा बढ़िया से फार्मूला आपको समझा चुके हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको, और पूरा कूल माइंड होकर मेरे किसी बात का बुरा मत मानिएगा, पूरा कूल होकर बढ़िया से पढ़ाई कीजिए और बढ़िया से कुछ अचीव कीजिए लाइफ में, और कमेंट करके बताइए क्या होगा आंसर इसका। तो अब फाइनली क्या होता है ना कि अब यहाँ से हम जो है ना पूर्ण रूप से माने जो 5 मार्क का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको हम उसके सीरीज को एंड कर रहे हैं। अब ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है, उसको देखिए जाकर बढ़िया से पर डे और अच्छा से इंजॉय कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।